विवेक तन्खा ने दाखिल किया नामांकन। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार विवेक तन्खा को। पूर्व सीएम कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह मौजूद रहे इस दौरान उनके साथ जब विवेक तन्खा ने नामांकन दाखिल किया। दूसरी बार कांग्रेस उन्हें भेज रही है राज्यसभा और ऐसे में विवेक तन्खा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी मौजूद रहे जब विवेक तन्खा ने नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं एक बार फिर विवेक तन्खा। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, 31 मई नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख, 10 जून को चुनाव राज्यसभा की 57 सीटों के लिए। और ऐसे में मध्य प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार विवेक तन्खा ने अपना दूसरी बार, क्योंकि उम्मीदवार बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ मौजूद रहे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी इस दौरान उनके साथ ही थे। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार और विवेक तन्खा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी मौजूद रहे। विवेक तन्खा, जो कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की पहली पसंद बताए जाते हैं, और उन्हें एक बार फिर से कांग्रेस राज्यसभा भेज रही है। एक बार फिर से विवेक तन्खा पर भरोसा करते हुए ये तय हुआ कि विवेक तन्खा ही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जो कि अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। 31 मई आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने के लिए। राज्यसभा की 57 सीटें खाली हुई हैं, जिस पर मध्य प्रदेश में 2 सीटें बीजेपी के पास हैं, 1 कांग्रेस के पास। कांग्रेस की तरफ से विवेक तन्खा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी में 1 सीट को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। इसके अलावा कविता पाटीदार बीजेपी की उम्मीदवार हैं राज्यसभा के लिए, लेकिन 1 सीट पर अब भी बीजेपी किसे प्रत्याशी बनाने जा रही है इस पर सस्पेंस है। लेकिन इस बीच विवेक तन्खा, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी तरह